टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिंस। तो आज हम सीखेंगे चिल्ली मशरूम बनाना। तो उसके लिए मशरूम हमने ले लिए, बॉईल की हुई है ये मशरूम, और इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी डायमंड कटिंग करेंगे। कैप्सिकम करना है, टमाटर करना है और प्याज करना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो उसके बाद मशरूम के जो है पकौड़े बना लेंगे। और ये टमाटर हो गया, और इसकी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है डायमंड। और प्याज कर लेंगे कटिंग, इसको भी ऐसे डायमंड कटिंग कर लेनी है। और प्याज को जो है सिंगल सिंगल कर लेते हैं। तो ग्रीन चिल्ली काट लेते हैं 3-4, इसको इनको भी लंबा लंबा काटना है। तो ये कटिंग रेडी हो गई है, तो कटिंग इधर रख लेते हैं। तो मशरूम को जो है काट लेते हैं, जो बड़ी है वो 102 कर लेंगे। और ये मशरूम जो है बाउल में डाल लेते हैं। और इसको पहले लगाएंगे हम कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लगाने से ये क्रिस्पी हो जाएगी, तो थोड़ा पहले इसको कॉर्नफ्लोर लगा लेते हैं। तो अभी इसमें डालेंगे आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लोर। तो इसके पकोड़े निकाल लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, पानी थोड़ा डालना है इसमें। तो अब ये रेडी हो चुका है, तो इसके पकोड़े निकाल लेते हैं और ये सिंगल सिंगल करके डालेंगे इसमें। तो ये अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए, क्रिस्पी हो जाना चाहिए। तो उसके बाद निकाल लेना, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए और कच्चे भी नहीं रहना चाहिए। तो अभी इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पहले। तो अदरक लहसुन ब्राउन कर लेंगे। तो इसमें भी डाल देंगे वेजिटेबल। तो वेजिटेबल को हल्का हल्का पकाना है, ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो थोड़ी देर पकाएंगे इसको। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, इसको थिक ग्रेवी में बनाएंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो अभी इसमें डालनी है सॉसें। तो पहले डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजीनोमोटो और थोड़ा ब्लैक पेपर और टमाटो केचप
और थोड़ा विनीगर और थोड़ी सी सोया सॉस। तो इसमें अभी डालेंगे चिल्ली सॉस, तो इसको पकने देंगे थोड़ा। तो ये कॉर्नफ्लोर है सूखा, तो इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। तो इसमें डाल देंगे घोल बनाकर, इससे थिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये डाल देते हैं। तो ये हो चुका है, मसाला पक चुका है इसका। तब इसमें डालेंगे पकोड़े, पकोड़े जो है लास्ट में डालने हैं, तो इनको मिला लेंगे। और ये है धनिया, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। हमारी जो चिल्ली मशरूम है वो रेडी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ऐसी नई नई डिशें सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।